नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर भारत सच की आवाज़ लाइव आप तक में। आज हम मौजूद हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जहां पे हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं देवरिया जिला से थाना रुद्रपुर ग्राम शिवपुर टोला गणेशपुर के निवासी हैं, जहां पे एक पोखरे को लेकर के विवाद हो गया है दो लोगों के बीच, जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे क्या है मामला और क्या है पूरी सच्चाई। और आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुग्रीम कन्नौजिया। सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद हैं, ये सुग्रीम कन्नौजिया हैं। इनके पिताजी इस समय मेडिकल कॉलेज कोमा में इस समय पहुँच चुके हैं, जहाँ पे एक आपसी विवाद हो गया है। एक यादव परिवार और ये कन्नौजिया हैं, दोनों के बीच में एक गढ़ाई है, जो गांव समाजी गढ़ाई है, उसको लेकर के आपसी विवाद हो गया, जिसको लेकर के दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या है मामला और क्यों ये मारपीट हुआ और कितनी सच्चाई है इसमें। सर क्या है मामला, ये पूरी मामला यही है कि मतलब जैसे कि हमारे घर के पास एक गाँव समाजी मतलब गढ़ी है जी, तो मतलब उसी को लेकर विवाद हुआ कि जैसे कि हम बाहर जा रहे थे जी, घूमने उमने के लिए जाते हैं टहलने में शाम को, तो उधर से आ रहे थे तो रमेश यादव का लड़का जो है जिससे हमारा मतलब झगड़ा हुआ लफड़ा, उसका लड़का वो रोक कर मेरे को बोला कि मतलब कि बारिश का पानी जो है तुम्हारा वो हाँ मतलब गड्ढे में मत खोलो है जी, हाँ हम मतलब कब्जा किए एक ऐसा ऐसा बोल रहा था। तो हमने एक बार खोला था, उसके बाद तब से मतलब नहीं खोला, उसके बावजूद भी ये लोग मतलब गाली उली देने होने लगे जी। उसके बाद गाली उली देने होने लगे, हमारे पापा आए और उसके बाद हमारे पापा जब आए तो गए मतलब कहने के लिए मतलब ऐसा ऐसा तुम्हारा लड़का हमारे लड़के को रोक के रास्ते में ऐसा ऐसा बोल रहा था और मारने के लिए धमकी उमकी दे रहे थे लोग। तो हमने आया तो पापा कहा, तो पापा गए थे कहने के लिए, तो उतना नहीं वो लोग मतलब पहले से सजग था और तुरंत तो वो लोग मतलब मारना चालू कर दिया लोग जी। और हमारे मतलब जो हमारे घर का जो लाइन बिजली विभाग का जो मीटर बैठता है उसको भी तोड़ ताड़ दिया है लोग, खिड़की दरवाजा सब तोड़ दिया है लोग, और हमारे पापा को भी बहुत मार मारा है लोग। कौन मौजूद थे वो जो लोग मार रहे थे आपके पिताजी को आपके भाई को? उसमें रमेश यादव थे, बिंद्रेश थे और कमलेश थे, राजकुमार, और उनके मतलब चारों से मतलब बच्चे थे जी, चारों भाई थे। तो ये आपके पिताजी को लोग मारे, आपके भाई को भी मारे, हाँ। क्या आपने थाने पे FIR या कंप्लेन किए कि ये हमारे साथ ही ये घटना हुई है, प्रशासन का मदद लिए आप? सर बात है कि मतलब जब वो लोग मारने लगे लोग, तो हम लोग को मतलब मेरे पापा को बहुत मार दिए थे, मेरे भाई का पूरा फट गया था इधर, पूरा खून से लथपथ हो गए। तो हम लोग जल्दी से उनको अंदर लेकर गए दरवाजे के अंदर, तो दरवाजा उधर सब तोड़ रहे थे लोग, तो हम लोग डर के मारे बाहर नहीं निकले। हमारी एक बहन थी जिसका हमारे मौसी का लड़की थी, उसका 8 महीने का डिलीवरी था, वो भी गई थी छुड़ाने के लिए, उसको भी बहुत मारा लोग। वही बस अकेले मतलब पता नहीं किधर से घर के पीछे से किसी तरह वो जाके मतलब पुलिस में मतलब थाना जो है हमारे रामलखन का जो थाना है वहाँ पर जाके कंप्लेन की। उसके बाद कंप्लेन करने के बाद आए लोग पुलिस वाले लोग दो बार आए लोग, तो उनका घर रास्ते में ही पड़ता है, तो लोग पता नहीं क्या क्या बातचीत किए और वहाँ से दो बार वापस चले गए जी। दो बार वापस जाने के बाद फिर जी तुरंत मतलब कि जी यहाँ से उठा के लेके चले गए लोग जी। हम अपने पापा को क्या उठा, क्या प्रशासन ने आपका सहयोग किया? प्रशासन ने आपका सहयोग किया, आप FIR किया, आपके
पक्ष के लोग काफी ज्यादा चोटिल हुए। क्या प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी की या वारंट जारी किया, उनके घर पे पहुंच करके उनको पूछताछ करने का प्रयास किया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दो बार पुलिस आई, दोनों बार उधर से उधर ही चली गई। हम लोग डर के मारे बाहर नहीं निकल रहे थे। लास्ट में एक डेढ़ घंटे के बाद, दो घंटे बाद पुलिस दो आई। उसके बाद जब हमारे घर पर पुलिस आई तब हमको थोड़ा ऐसा हुआ महसूस, तो उसको तुरंत हम अपने पापा को टांग के ले गए, खटिया पर टांग के ले गए थे। हमारे भाई को भी टांग के ले गए लोग, तुरंत एम्बुलेंस मतलब आई थी और वहाँ पर एम्बुलेंस से मतलब हम लोग आए यहाँ अपने गौरी बाजार ब्लॉक पे। वहाँ पर आए तो मतलब थोड़ा बहुत जो मलहम पट्टी किया, उसके बाद वो लोग बोल रहा था मतलब बच्चे का खून बहुत ज़्यादा बह चुका है और आपके पिता की भी मतलब हालत बहुत मतलब नाजुक हो चुकी है, इनको जल्दी से जल्दी मतलब सदर में ले जाइए जी। तो हम लोग सदर में लेकर आए, वहाँ से रेफर किए तो सदर में ले आए। तो यहाँ पर मतलब हमारे भाई का तो टाका लगा, यहाँ पर भी टाका लगा था, यहाँ पर भी। क्या क्या हालात है अभी आपके भाई का, क्या भाई का हालात? बहुत मतलब खराब है, क्योंकि मतलब ब्लड बहुत ज्यादा निकल चुका है। और आपके पिताजी क्या किस स्थिति में है इस समय, मेडिकल कॉलेज में एडमिट है? हमारे पिताजी जी इस समय मतलब उनका तो मतलब आवाज वाज कुछ निकल नहीं रहा है। और कहाँ कहाँ किस जगह उनके ऊपर वार किए वो लोग? यहाँ सर पर वार किए हैं और यहाँ पर ऐसे लाठी से मारे, ऐसा मूड ऐसा टेढ़ा हो गया है पूरा जी। तो बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं आवाज वाज कुछ नहीं निकल पा रहा है। यहाँ पर मारे है, टूट गया है, यहाँ पर भी मारे हैं, पूरा फ्रैक्चर हो गया है दोनों पूरा बाजू का। यानी कहीं ना कहीं अभी तक प्रशासन के तरफ से आपको कोई सहयोग नहीं मिला है? प्रशासन के तरफ से अभी मतलब कोई सहयोग नहीं मिला है हमारे, मतलब हम लोग तो यहाँ तुरंत आ गए थे, यहाँ गोरखपुर हम लोग हैं और हमारे कुछ परिवार वहाँ पर हैं देवरिया में। तो हमारे कारण मतलब कि हमारी मतलब जो परिवार के जो घर पे थे लोग, वो लोग गए थे एफ आई आर दर्ज कराने के लिए रुद्रपुर, और वहाँ पर गए, वहाँ पर अप्लीकेशन डाले वाले, फिर भी मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। शासन प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि उनसे मतलब बहुत मतलब जल्द उनको पकड़ के मतलब उनके साथ मतलब कोई कार्रवाई की जाए, उनको बंद किया जाए, यही चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं, देवरिया जिले का मामला है, बहुत ही शर्मनाक घटना कही जाएगी, जहाँ एक परिवार ने एक परिवार के ऊपर काफ़ी लाठी डंडे से वार किया और काफ़ी चोट पहुंचाई। तो आप देख सकते हैं, ये जिला देवरिया थाना रुद्रपुर ग्राम शिवपुर गणेशपुर टोला का ये मामला है, जो बहुत ही शर्मसार करने वाली मामला है और बहुत ही दर्दनाक घटना इसको कहा जाएगा, जहां पे सुग्रीम के पिताजी इस समय कोमा में एडमिट हैं और उनके भाई देवरिया सदर अस्पताल में भर्ती हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट जितेंद्र सिंह, कैमरामैन अमरजीत पासवान, नमस्कार, धन्यवाद।